जीव विज्ञान को समझने के लिए मानव तंत्रों को समझना अति महत्वपूर्ण है और मानव तंत्रों को समझने के लिए रेखाचित्र एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेखाचित्र किस तरह से बनाए जाते हैं और उनको लेबल किस तरह से किया जाता है, ये आज हम सब सीखेंगे। और इसके लिए मैंने चुना है मानव पाचन तंत्र को सबसे पहले, क्योंकि अति साधारण तरीके से इसको बनाया जा सकता है। और इसके बाद इससे आप इसी कला को अपने जीवन में उतार सकते हैं जीव विज्ञान को समझने के लिए। इसके लिए मैं एक चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ और स्केच पेन, काला और लाल स्केच पेन का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको पेंसिल से शुरू कर सकते हैं और उसके बाद पेंसिल कलर्स या स्केच पेन या पेंटिंग कलर्स को भी इस्तेमाल करते हुए अपने रेखा चित्रों को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो आइए हम सीखना शुरू करते हैं कि किस तरह से मानव पाचन तंत्र को बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम चेहरे को बनाएंगे इस तरह से, नाक, ये होंठ जरा खुले हुए दिखाएंगे हम, और ये ठोड़ी, और इस तरह से दो समानांतर रेखाओं को लेते हुए सीधा इस तरह से बनाएंगे। यहाँ से आमाशय आप देख सकते हैं, जे अंग्रेजी के जे आकार के अक्षर के जैसा होता है, वो इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से वृहदान्त्र को बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, दोनों ओर से ये मुड़े हुए रेखाओं से हम इसको दर्शाते हैं और ये क्षुदान्त्र इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये 6.5 मीटर का ट्यूब होता है और इसको हम बाद में बनाते हैं, ये आती पहले है। ये वाली जो छोटी आंत भी बोलते हैं हम इसको, क्षुद्रांत जो है ये इस तरह से इसके साथ जुड़ी हुई है, इसको बाद में बनाया जाता है, इसको पहले बनाया जाता है। पर पहले ये आमाशय के बाद इसी को दिखाया जाता है और इससे फिर ये वृहदान्त्र जो है निकल के आती है और उसके बाद ये मलाशय और गुदा है। अब हम बनाएंगे पाचन ग्रंथियाँ। सबसे पहले पाचन ग्रंथि आप देख सकते हैं, लार ग्रंथि है मुंह के दोनों तरफ और उसके बाद यकृत, हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि, और यकृत से निकलते हुए आप दर्शाएंगे ये दो रेखाओं की मदद से, सबसे पहले जहाँ ये पित्त इकट्ठा होता है यकृत से निकलकर, जिसे हम बोलते हैं पित्ताशय, और अग्नाशय ग्रंथि जो है इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये अग्नाशय ग्रंथि और इन दोनों की जो वाहिनियां हैं मिलकर एक वाहिनी बनाती हैं जिसको हम यकृत अग्नाशय वाहिनी बोलते हैं। और इसके अलावा जो हमारा आमाशय है इसकी लाइनिंग के अंदर और इंटेस्टाइन जो आंत्र हैं इनके वृहदान्त्र की लाइनिंग के अंदर भी दो ग्रंथियां होती हैं जिनको यहां पर दर्शाया नहीं जा रहा। अब हम इनको लाल पेन की मदद से लेबल करेंगे। सबसे पहले हम लेबल करेंगे पाचन अंगों को दाहिनी ओर, जो पहला पाचन अंग है उसे बोलेंगे हम मुख ग्रसिका, इसे बोलेंगे ग्रसिका। ये विज्ञान में इस्तेमाल की जाने वाली
विशेष टर्म्स हैं आमाशय, पित्ताशय को भी हम इसी ओर दिखाएंगे क्योंकि ये कोई ग्रंथि नहीं है, ये एक पाचन अंग है जो ग्रंथि का जो पित्त है उसे, यकृत से बनाया हुआ पित्त जो है उसे अपने अंदर संभालता है। इसके बाद क्षुद्रांत और वृहदंत्र, फिर मलाशय और अंत में इसमें गुदा। अब इस ओर पाचन अंग बनाने के बाद, लिखने के बाद हम पाचन ग्रंथियों के नाम लिखेंगे। सबसे पहली पाचन ग्रंथि मुंह के ऊपर और नीचे लार ग्रंथियां, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि यकृत, और तीसरी अग्नाशय, तो आप देख सकते हैं इस ओर पाचन अंग हैं मुख ग्रसिका, ग्रसिका आमाशय, पित्ताशय, क्षुद्रांत, वृहदांत्र, मलाशय एवं गुदा। इस ओर हमने लिखा है पाचन ग्रंथियां लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। ये दोनों ही मिलकर मानव पाचन तंत्र को बनाते हैं और इस तरह से आप बड़े साधारण से तरीके से मानव पाचन तंत्र को बना सकते हैं। अब जिस तरह से ये साधारण तरीके से हमने मानव पाचन तंत्र को बनाया है, आप और भी मानव तंत्रों को बनाने की जो कला है वो सीख सकते हैं और अपने रेखा चित्र कला को और लेबल करने की कला को और भी अच्छा बना सकते हैं, ताकि जीव विज्ञान को समझने में, संरचनाओं को समझने में और अपने ज्ञान को बढ़ाने में आपको मदद मिल सके।